अभी हम जा रहे हैं तालाब वाली के पास। भाई बोल रहा है काला है गोरा कर देना। ठीक जूस पीले थे यार, बना दो एक। दोस्तों फाइनली यहाँ से शूज खरीद लिया मैंने। तो हे गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं टेम्बी नाका, और टेम्बी नाका आता है थाने स्टेशन से वेट साइड। तो चलो वहाँ जाते हैं, और जहाँ अभी हम शॉपिंग करने वाले हैं, और वहाँ अमीरी गरीबी सब लोग वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम भी उनमें से एक ही है। तो चलो आज अभी हम वहाँ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और क्या बताओ सभी को, वहाँ से मैं जब जा रहा था तो मैं सोच लिया कि यहाँ वीडियो बनाना ही है, क्योंकि वो प्लेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसे मतलब अलग ही लगता है, बहुत ही बड़ा माहौल लगता है। अपनी सब थाने के पब्लिक है भाई, एकदम मजे। तो चलो ऐसे ऐसे दोस्त लोग मिल जाते हैं भाई, सब अपने पहचान के ही है। आर मॉल की तरफ से बस पकड़ेगी। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ आर मॉल, देख सकते हो, और काफ़ी धूप है गाइस। सामने एक टपरी है, यहाँ हम बिस्लेरी ले लेते हैं, और बिस्लेरी हमने ऑलरेडी ले ली, दिखा रहे भाई। काफ़ी धूप है गाइस, और ठंडा पानी ले गया, और अभी यहाँ से निकलेंगे। और ये देख सकते हो मेरे पीछे आर मॉल, थाने में बहुत ही फेमस मॉल है ये, का भी एक ब्लॉग बनाएंगे भविष्य में। तो चलो अभी हम क्या है बस स्टॉप, यहाँ से लेते हैं अभी बस और निकलते हैं टेम्बी नाका। सो लेट्स बड़ी गली है, यहाँ भी है, और ये ऐसी चारों तरफ से बड़ी बड़ी गली है मार्केट की। और अभी तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं यार, 5 बजे से यहाँ भीड़ लगेगी बहुत तगड़ी वाली। तो चलो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ हमको ड्रेस मिल जाता है। एक साइड से चलना पड़ेगा भाई, छोटे बच्चे के लिए भी है ड्रेस, छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारी चीज़ यहाँ मिल जाती है। चलो सेल भी लगाया यहाँ। तो अभी हम चलते चलते आ चुके हैं स्टेशन के मार्केट के पास, और ये स्टेशन के नज़दीक ही है वेस्ट साइड में। मुझे लगता है कि मेरा आवाज़ आप सभी को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा। शूज देखो, अरे बस बढ़िया भाई, चलते रहो। ये सब लोग बंद, ये मेरा आज
बाजार है ना, मार्केट भरता है ना, वो दिखाना है। दो तीन दिन से जा रहा था मैं, सोचा एक वीडियो ही बना लूँ। मेरा चिलिंग जॉब बहुत बढ़िया। भाई बोल रहा है काला है गोरा कर देना, ठीक है कर दूंगा भाई, कोई बात नहीं। ऐसे लोग मिल जाते क्या बोलता हूँ यार। तो चलो थोड़ी नज़दीक यार स्टेशन है, थोड़ी नज़दीक या मतलब आगे ही स्टेशन है, और स्टेशन से नज़दीक यार वेस्ट साइड में टेम्पल है। क्या कह रहा है अंकित विनोद यादव को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार बता दो अंकित विनोद यादव। हाँ इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा ये इतना छोटा है और चैनल बना दिया डायरेक्ट, और ऐसे देखते देखते बड़े बड़े मार्केट हम देखते जा रहे हैं भाई। देख सकते हो आप लोग बस जा रही है यहाँ से, बस लोग यहाँ से जो बस है ना बहुत ही स्लोली स्लोली जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रहती है, इसी कारण सब गाड़ी आराम से धीरे धीरे चलती है। होलसेल भाव ठाणे प्रथम 4.5-4 मंजिली भव्य शोरूम, शोरूम भी ओपन हुआ है यार, शोरूम भी ओपन है। देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ शोरूम लगा है साड़ी के लिए। अभी दिवाली का ही है, दिवाली का ही टाइम है, इसलिए बहुत ही कम बजट में आप सभी को यहाँ कपड़े कुछ भी दिवाली के जो भी वस्तु है वो सब सस्ते भाव में मिल जाएगी। बहुत अच्छे, मैं भी कुछ खरीद लेता हूँ। एक देऊन द्या, 50 असेल ना सुटे, हां हे 50 काय ना, 50 दुसरं काय घेऊ मी, नाही हे झालं चांगलं, एक एक पाहिजे होतं बघ, एक ले लिया मैंने। हां हे देऊन टाका दाखवा, ले लिया हो। अभी दिवाली नज़दीकी आ रही है तो घर के लिए ले लेता हूँ। क्यारी बैठ जा रहे एपन टापू जा, चला धन्यवाद। ऐसे थोड़ा बहुत कुछ लेते लेते हम जा रहे हैं आगे। ऐसे बहुत सारी पब्लिक में आया तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है ब्लॉगिंग बनाने में। और देखो यहाँ नज़दीकी स्टेशन है यहाँ से, ये देखो इधर स्टेशन है थाना स्टेशन, और यहाँ से अभी मुझे शूज़ भी लेना है तो शूज़ देखते हैं पहले। और ये हमारी ऑड बस, थाने की शान आन बान शान। तो चलो भाई कलवा 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 साइड में पूरी जींस की दुकान लगती हुई देख सकते हो, बनने का जूस पी लेते यार, बना दो एक। बहुत गर्मी का दिन हो रहा है तो अभी एक ठंडा वाला जूस पी लेते आराम से भाई। बर्फ पर डाले हो क्या? हाँ मशीन खराब,
अभी हम जा रहे हैं तालाब पाली के पास और वो भी आप सभी को मैं दिखाऊंगा। अभी हम आ चुके हैं तालाब पाली के पास। यहाँ मेरे राइट साइड पे देख सकते हो बहुत बड़ा तालाब पाली है। तो चलो तालाब पाली घूमने से पहले हम शूज खरीद के आते हैं। शूज लेने के बाद हम जाएंगे तालाब पाली। तो दोस्तों अभी मैं शूज़ के शोरूम में आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे शूज़ यहाँ मिल जाते हैं। एक शूज लेना है मुझे, वो ले लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ से शूज़ खरीद लिया मैंने और अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये और अंदर बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है कि बाहर जाने की मतलब किसी की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। फाइनली ले लिया मैंने जो मुझे लेना था भाई से। और यहाँ से अभी पैदल ही जाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी थोड़ा बहुत तो शॉपिंग हमने कर ली है और अभी हम जा रहे हैं तालाब पाली के पास। और तालाब पाली आप सभी को मैं दिखाता हूँ, खाने का फेमस है भाई। और यहाँ अभी हम देखो ये जो है ना यहाँ फोटो शूट करने के लिए जगह है। चलो चलो हम भी फोटो शूट कर लेते हैं। थोड़ा निकल देना एक तेरे कैमरा से निकाल दे। ब्राइटनेस बड़ा काला तो उसमें ब्राइटनेस बड़ा गोरा हो जाऊंगा यार। और यहाँ बहुत लोग फोटो शूट करते हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे देखो देखो फोटो शूट कर रहे हैं सब लोग। और ये देखो यहाँ बस स्टॉप है, यहाँ बस से बैठ कर हम जाने वाले हैं। तब तक के लिए थोड़ा राउंड मार लेते भाई यहाँ से वहाँ। काफ़ी बड़ा तालाब पाली है भाई ये तो। ये देख सकते हो बीचों बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा है, वो देखो वो दिखाई दे। तो चलो थोड़ा आगे जाके हम दिखाते हैं क्योंकि परमिशन नहीं होगी वहाँ कुछ दिखाने के लिए, लेकिन तब भी हम ट्राई करते हैं। कैसा लगा तालाब पाली? आई होप आप सभी को बहुत ही ये वीडियो मस्त लगा। धन्यवाद, मेरे भाई को तो पसंद आ गया भाई। कहाँ जा रहे हो भाई? घूमने के लिए। आप भी घूमने आए हो क्या? हाँ घूमो, एंजॉय करो। चलो भाई यहाँ से हमने ऑटो बंद है। तो चलो दोस्तों यहाँ से अभी हम ऑटो बुक कर लिए, वो भी जाएंगे मानपाड़ा तक। हाँ भाई लो बाय। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी घर आ चुका हूँ और आज का वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मजा आया है क्योंकि बहुत सारे पब्लिक प्लेस में मैं वीडियो बना रहा था और सब लोग मेरे पास आ रहे थे, कोई हाय कर रहे थे, कोई मेरे से मिलना चाह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे पब्लिक प्लेस में पहली बार मैं इतने कॉन्फिडेंस से बनाया वीडियो। और आगे चल के ऐसे ही ब्लॉग आप सभी को देखने मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि अभी ऐसे ही मैं सभी ब्लॉग बनाऊ और आप लोगों को शेयर करूँ ताकि आप लोग भी घूम सको। मैं वीडियो बना रहा हूँ और दिवाली तो खत्म हो चुकी होगी शायद, क्योंकि एडिट करने में मुझे बहुत समय लगता है, टाइम नहीं मिल पाता इसीलिए। और चलो आज का ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आप सभी को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।